दोस्तों आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चों का 31वां दिन है और 31 दिन में बच्चों का वज़न लगभग 1500 ग्राम का एवरेज है दोस्तों। और कोई बच्चा 2 किलो का है, कोई बच्चा 1.5 किलो का है दोस्तों, कोई बच्चा 1 किलो का है। तो दोस्तों बच्चे छोटे बड़े होना आम बात होती है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मर हैं तो आपको सब कुछ पता होगा और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कैसे हमने मैनेजमेंट किया हुआ है, कैसे हम पानी लगा रहे हैं, कैसे हम दाना लगाते हैं। दोस्तों सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल एके पोल्ट्री कोचिंग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देता हूं और दोस्तों मैं खुद पोल्ट्री फार्मर हूं और 7 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आज हमारे 31 दिन के बच्चे हो गए हैं और एवरेज हमारा 1500 ग्राम पार हो चुका है। आप लोगों की दुआ से बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों गर्मी में इतना अच्छा एवरेज आता नहीं है। रेट आज दोस्तों 130 रुपये पर केजी के हिसाब से था। तो दोस्तों रेट बहुत अच्छा है, अगर एवरेज अच्छा आता है दोस्तों, FCR बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ऐसा रहा तो दोस्तों अब की गर्मी में भी अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों हमारे छोटे वाले पोल्ट्री फार्म में बहुत ही कम पैसा मिला था, आपने देखा था दोस्तों, उस समय बच्चों का वज़न नहीं आया था, लेकिन इस बार बच्चों का वज़न अच्छा खासा आया है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, अगर आप भी पोल्ट्री फार्मर हैं, अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको नहीं पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करना है, गर्मी में कैसे करना है या ठंडी में कैसे करना है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल एके पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जितना वीडियो डालता हूँ दोस्तों देखते रहिएगा। आप मात्र 40 दिन का समय हमको दे दीजिए, पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज 31 दिन के बच्चे हो गए हैं, एवरेज लगभग 1500 ग्राम का है। मैं आपको एक बार अपना मैनेजमेंट दिखाता हूँ, आप भी देखिएगा दोस्तों हमने कैसे पंखा चला कर रखा हुआ है। दोस्तों कितना टेम्परेचर होने के बाद पंखा चलाना है, बच्चे कितने दिन के हो जाए उसके बाद पंखा चलाना है, दोस्तों क्या मैनेजमेंट करना है, क्या व्यवस्था करना है, FCR को कैसे मेंटेन करना है, सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर दोस्तों आप ये सब चीज़ ध्यान देकर समझते हैं, अगर आप ये सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं दोस्तों, तो आप पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, गर्मी हो चाहे ठंडी। चलिए दोस्तों एक बार मैं अपना मैनेजमेंट दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ दोस्तों हम पानी कैसे लगाते हैं, दाना कैसे लगाते हैं, FCR कैसे मेंटेन करते हैं। अगर जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा पोल्ट्री फार्म इस समय आपको पूरा सफ़ेदी से भरा दिख रहा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मौसम ख़राब चल रहा है। रात में आज भी बारिश हुई थी, लेकिन दोस्तों दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इससे बच्चों की मोर्टलिटी होती है, बच्चों का वज़न नहीं आता है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताया हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारे पूरे फैन जो हैं लगे हुए हैं, सब चल रहे हैं। तो आप भी फैन ज़रूर लगवाइएगा गर्मी में, अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बच्चे अधिकतर आपको बैठे दिख रहे होंगे। दोस्तों ये दिन में दाना बहुत कम खाते हैं। अगर आपका FCR बहुत ज़्यादा भाग रहा है तो आप एक काम करिएगा कि दाना ऐसे लगाइएगा कि दाना लगभग 10-11 बजे तक ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपको 3-4 बजे दाना लगाना होता है, ताकि आपका FCR मेंटेन हो जाए और जो आपका FCR भाग रहा है जिससे आपको नुकसान हो सकता है वो सही हो जाए। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप भी पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमा सकें। और पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमाने के लिए दोस्तों मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों प्लास्टिक का टप रखा गया है, दोस्तों ड्रिंकर लगा हुआ है, उसके बाद भी हम इसमें पानी भर देते हैं ताकि बच्चों को पानी की कमी ना हो पाए। अगर दोस्तों बच्चे पानी पिए रहेंगे तो इनका दाना बहुत आसानी से हजम होता है। अगर दाना आसानी से हजम होगा तो दोस्तों इनका वज़न बढ़ेगा और इनका दोस्तों मोर्टलिटी कम से कम होगी। और आप देख पा रहे होंगे कैसे इनको पानी लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर ड्रिंकर के अलावा अगर आप पानी लगा देते हैं तो बच्चों को पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये बच्चे पानी पूरा पियेंगे तो इनका वज़न भी बढ़ेगा और दोस्तों इनकी मोर्टलिटी कम से कम होगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे हमने पानी लगाया हुआ है, आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों टप में हमने पूरा पानी भर दिया है और इधर देखिए पूरा हमने टप में पानी भर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में बच्चों को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पानी इसे भर रहेंगे तो बच्चे पानी बहुत आसानी से पाएंगे, फिर दोस्तों इनकी मोर्टलिटी कम से कम होगी, इनका वज़न अच्छा आएगा। दोस्तों अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से पैसा कमाना है तो इतना मैनेजमेंट, इतना व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इधर आप देख पा रहे होंगे हमारा हरा वाला पर्दा लगा हुआ है, दोस्तों फव्वारा चलाकर इसको गीला कर लेते हैं। और दोस्तों इधर देख पा रहे होंगे हमने 256 लगाया हुआ है। तो गर्मी में ये सब व्यवस्था करना पड़ता है, जैसे ठंडी में आपने देखा था कि सेलिंग बनाना पड़ता है, वैसे दोस्तों गर्मी में भी बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। अगर आप ये सब व्यवस्था कर पाते हैं तो आप पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमाएंगे और आप बहुत ही आसानी से पोल्ट्री फार्मिंग करना सीख भी जाएंगे।
दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी नहीं पता है, अगर आप पोल्ट्री फार्मर हैं और आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है, तो हमारे पास आप कमेंट करके या हमारे नंबर पर फ़ोन करके हमसे सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी दे सकें और आप भी पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमा सकें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, आज 31 दिन के बच्चे हो गए हैं और 31 दिन में हमारा क्या मैनेजमेंट है दोस्तों, क्या व्यवस्था है और क्या बच्चों का वजन क्या है, सब कुछ आपको बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, लाते हैं हम आपके लिए और नई जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में सिखा देंगे। धन्यवाद।